अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे रे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए है, बड़ी दूर नजर आए। आप सभी का हमारे चैनल के SS भारतीय संगीत में स्वागत है और हमेशा की तरह मेरे सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को मेरा ढेर सारा प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आज आप सभी के बीच जिस गाने की चर्चा करेंगे ये गाना है किसी की फरमाइश का, जिनका नाम है सीमा जी। सीमा जी चाहते हैं कि इस गाने का उनको हारमोनियम नोटेशन मिल जाए, तो आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से बनाकर के लाई हूँ और जो भी बिगनर्स हैं आप लोग भी सीख सकते हैं इस गाने को। तो झरोके से एक बहुत ही प्यारा सा गाना, और इस फिल्म के यूं तो सारे गाने सुपर डुपर हिट हैं। राष्ट्रीय प्रोडक्शन में आई अखियों के झरोके से फिल्म 7 अप्रैल 1978 में बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। साथ ही इस फिल्म के सारे गाने इतने सुंदर हैं, इतने मेलेडियस हैं कि कानों में रस घोलते हैं। आज की भागदौड़ की जिंदगी में भी ऐसे गाने कानों में रस पैदा कर देते हैं और कानों को सुकून देते हैं। तो आज आप सभी के बीच अखियों के झरोके का टाइटल लेकर के आई हूँ। पार्ट एक में हम इस गाने की स्थाई को सीखेंगे और पार्ट टू में हम सीखेंगे इस गाने का अंतरा। आप लोग सोचते हैं कि इकट्ठा गाना लेकर के क्यों नहीं आती हूँ, कि स्थाई भी अंतरा पार्ट एक पार्ट टू में क्यों लाती हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको जब लगता है कि बहुत बड़ी पोस्ट है तो उनको ये रहता है कि अरे इतनी बड़ी पोस्ट को कौन देखेगा, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट करके लेके आती हूँ। और साथ ही जो सीखने वाले बिगनर्स होते हैं उनको एक्साइटमेंट होती है कि आगे का हम और सीखें, जल्दी जल्दी सीखें, और उस जल्दी जल्दी के चक्कर में स्थाई भी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाते हैं। इसलिए पहले अच्छे तरीके से आप स्थाई सीखिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे अंतरे पे। तो इस गाने के ट्यूटोरियल को चालू करने से पहले इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। ये फिल्म आई थी 7 अप्रैल 1978 में। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था रविंद्र जैन जी ने और इस फिल्म के गाने भी लिखे थे रविंद्र जैन जी ने, जो कि अपने आप में मेलेडियस हैं। जैसे कि अखियों के झरोके से ये तो आपका टाइटल हो गया, साथ ही साथ जैसे कि आपने मेरे शॉर्ट के माध्यम से देखा होगा बहुत ही मेलेडियस सॉन्ग कई दिन से मुझे, बहुत ही प्यारा सा गाना है। साथ ही इसमें हिंदी दोहा चौपाई भी बहुत ही सुंदर तरीके से गाई है। फिलहाल यहाँ पे जिस गाने के बारे में बात कर रही हूँ अखियों के झरोके से, इसे गाया है शैलेंद्र जी ने और हेमलता जी ने, बहुत ही सुपर डुपर हिट ये गाना है। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था तारा चंद बड़जात्या जी ने। और यहाँ पर हमने इस गाने में जो स्केल रखा है सी शार्प को सा माना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपना स्केल बढ़ा के गाना तो आप अपना स्केल को बढ़ाकर भी गा सकते हैं। सी शार्प को हमने सा माना है तो सा रे गा मा पा ध नी सा, और उल्टाएंगे तो सा नी ध पा मा गा रे सा, मंत्र सप्तक में नी भी आएगा ध भी आएगा, ठीक है। बस यहाँ तक है स्थाई स्थाई। आगे की क्लासेस में हम जानेंगे कौन कौन से स्वर इस गाने में कोमल लगे हैं, फिलहाल यहाँ पे सभी स्वर शुद्ध लगे हैं। तो पहली लाइन है सारे
ठीक है। तो ये चार लाइन, अब जो चार लाइन नेक्स्ट आएंगी उसमें सेम टू सेम यही लगेगी, सिर्फ लिरिक्स चेंज है। लिरिक्स के बोल कुछ इस प्रकार से हैं, बंद करके छरों को रे गा रे सा रे मा का रे रे रे, जरा बैठी जो सोचने, तो जरा बैठी जो सोचने।